हेलो फ्रेंड्स, रजनीगंधा के बल्ब हम लोग कैसे लगाएं ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है इस बल्ब से फूल पा सके। तो इसी टॉपिक पे आज फ्रेंड्स बात है। तो बल्ब्स को लगाने के लिए जो जो चीज़ों को ज़रूरत होते हैं वो सारे मैंने जो अरेंजमेंट कर लिए हैं। तो इसमें जो है पहले जो ज़रूरत है सॉइल मिक्स, तो इसमें मैंने लिए है जो है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लिए है। इसमें जो है 20% जो है सैंड मिलाए हैं, और उसके बाद जो है मैंने लिए हैं 30% जो है काउडंग कंपोस्ट, और जो है ज़रा सा जो है एक चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने इसलिए लिए है ताकि जो है बल्ब में कोई प्रकार का जो है फंगस ना लगे। और ये जो काउडंग कंपोस्ट मैंने लिए, इसके बदले में जो है आप बर्निंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और जो है पत्ते वाला खाद भी ले सकते हैं, चाहे किचन कंपोस्ट भी आप जो है ले सकते हैं। तो और रहा बात फ्रिज बल्ब का, तो फिर बल्ब आप जब भी लें तो बल्ब्स का चुनाव ऐसे करें जो बल्ब्स जो है मैच्योर होना चाहिए। बिल्कुल छोटा छोटा बल्ब जो है आप बिल्कुल ना लें। जब भी आप जो परचेस करें बल्ब का, तो बिल्कुल जो है बड़ा सा बल्ब अगर चूज़ करेंगे आप, तो आपका जो है बल्ब से बहुत जल्दी फूल आ जाएंगे। तो फिर आइए बल्ब को जो है रिपोर्टिंग करते हैं। जब तक हम रिपोर्टिंग करते हैं तब तक जो इसका जो प्रोपेगेशन के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस प्लांट को जो है कैसे जो है गमले चाहिए होते हैं, कैसे सनलाइट चाहिए होते हैं, कैसे पानी चाहिए होते हैं। तो फिर गमले का जो हम चूज़ करेंगे, तो मैं इसमें जो है 8 इंची का जो है गमला मैं यूज़ करूँगी। और अगर सनलाइट का बात करते हैं तो फिर इस प्लांट को जो है सनलाइट में रखें, कम से कम जो 4-5 घंटे का धूप लगे तो भी जो है ये जो बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग कर देते हैं। और बात रहा पानी का, तो ऐसे तो ये तो एक जो है मानसून फ्लावरिंग प्लांट है। बरसात के सीज़न में इसका जो अच्छे फ्लावरिंग होते हैं, और अभी के सीज़न में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो अगले आने वाले 2 महीने में आपके जो है प्लांट पे बहुत जल्दी जो है फूल आने का संभावना रहते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो घबराइए नहीं, अगले सीजन में जो है ज़रूर इस पर जो फूल आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले देखिए रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने जो ले ली है एक मिट्टी का गमला, और इसका ड्रेनेज होल को बहुत अच्छा से चेक कर लेना होता है। ड्रेनेज होल अच्छे रहेंगे तभी जो है ये जो है अच्छे से ग्रोथ होंगे, नहीं तो जो है जड़ी गलने का बल्ब गलने का जो है संभावना होते हैं। तो पहले ड्रेनेज होल को चेक कर लेंगे, और तभी जो इस पर आप जो है कोई बल्ब्स लगाएंगे चाहे प्लांट्स लगाएंगे। तो मैंने ड्रेनेज होल को मैंने सेट कर लिए है, और अभी मैं जो है बल्ब्स को लगाऊंगी। और बल्ब्स को लगाने के टाइम आप ख्याल रखेंगे बल्ब जो है पूरी तरह से मिट्टी में बिल्कुल ना दबी होनी चाहिए, और थोड़ा सा ऊपरी भाग जो है बल्ब्स का निकला हुआ होना चाहिए, ताकि जो है जब नए नए पत्तियाँ निकले तो पत्तियाँ निकलने में ज़्यादा प्लांट को दिक्कत ना हो। तो मैंने मिट्टी भर लिए हैं, और इसके बाद जो है मैं बल्ब को सेट कर लूँगी। और फ्रेंड्स अगर फर्टिलाइज़र का बात करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र का, तो फ्रेंड्स जो है 15-20 रोज के अंतर में आप कोई भी जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर दे सकते हैं, और चाहे आप जो है कार्डंग मैन्यूर दे सकते हैं, चाहे जो है मास्टर केक जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र वो दे सकते हैं, चाहे बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र ना बहुत ही जो है लाभदायक फर्टिलाइज़र होती है, और इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम जो है भरे हुए रहते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी जो आपका बल्ब से जो है पौधे प्लांट्स भी निकल के आएंगे, और बहुत जल्दी जो फूल भी कलियाँ भी बनने लगेगा। तो फिर बल्ब को इस तरह से लगाना है, बल्ब को पूरी तरह से जो मिट्टी में नहीं दबाना है, बस थोड़ा सा जो है आधी जो है मिट्टी में रहना चाहिए, और ऊपरी भाग जो है मिट्टी के ऊपर जो रहना चाहिए, ताकि जो बल्ब से जो प्लांट निकले तो उसमें जो कोई प्रकार का जो है दिक्कत ना हो प्लांट्स को निकलने में। तो मैं थोड़ा सा जो है मिट्टी कम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बल्ब को सेट कर दूँगी। तो मिट्टी मैंने कम कर दी है, अब मैं बल्ब को सेट कर दूंगी, और उसके बाद जो है ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी, और जो बहुत अच्छा से वाटरिंग कर दूंगी। तो फिर ये हो गया मेरा जो है बल्ब सेट, और मैं अब जो मिट्टी को बराबर कर दूंगी। और ये ध्यान रहे कि बल्ब जो है पूरी तरह से मिट्टी में बिल्कुल ना दबी नहीं होना चाहिए,
नहीं तो ये बल्ब्स जो है गलने का संभावना होती है। हो गया सेट और मैं अभी इस पर जो है बहुत अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी। और फ्रिज वाटरिंग अब जब भी आप अभी तो आप फ्रिज पूरी तरह से जो बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देंगे और उसके बाद जब आप जब भी वाटरिंग करेंगे थोड़ा सा जो मिट्टी को जो है मॉइस्ट रहना चाहिए, गमले की मिट्टी बिल्कुल जो है मॉइस्ट रहना चाहिए और तभी जो ये जो इसका ग्रोथ जो अच्छी होगी। और फिर आप अगर मिट्टी में प्लांट लगाते हैं तो फिर आपको जो कोई चीज़ का जो है देखभाल का जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब।